क्लास 12 लेसन नंबर 2 फिजिक्स के अंतर्गत लेसन 2 है, फिजिक्स है और डेरिवेशन हम लोग सीख करने के लिए चल रहे हैं। तो देखो पहले हम लोग जो बात करेंगे वैद्युत विभव की बात करेंगे, याद भी होगा वैद्युत विभव, याद है ना वैद्युत विभव? तो वैद्युत विभव वाला ही पाठ आपका है सेकेंड, तो आपको याद होगा भी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बाई क्यू। पहला आज का डेरिवेशन होगा कि आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, किसके कारण? हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र, ये तो नहीं समझ समझ के समझना, वैद्युत विभव का सूत्र किसके कारण? आवेश के कारण। पहले हम बताते कि आएगा कहाँ, ही आएगा भी बराबर 1/4 pi epsilon 0 × Q/r, हाई आएगा, समझ में आया? कहा आएगा भी बराबर 1/4 pi epsilon 0 × Q/r, लेकिन कैसे आएगा आइए हम लोग सीख कर, ठीक है। आप जानते होंगे कि अनंत से एकांक आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। तो चलिए खूब बढ़िया से आपको हम पहले चित्र बनाकर समझाते हैं, आइए। तो चित्र में दो का आवेश दिखाना होगा आपको, आइए। पहले आपके पास रहेगा क्यू जी, अगर परीक्षण आवेश कहते हैं क्यू, आयन के बीच की जो दूरी होगी एक्स मान लेंगे, दोनों आवेश के बीच की दूरी कहाँ मानेंगे? एक्स, हमने एक्स मान लिया, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये दूरी आपकी, दूरी कितना है भाई? एक्स है। चलो बीच में एक बिंदु ये मान लेते हैं, हाँ, इसके बीच की दूरी आर है, कहाँ है? आर है। और यहाँ से कुछ दूरी पर, बहुत कम दूरी पर हमने क्या मान लिया? डी एक्स मान लिया, क्या मान लिया? डी एक्स मान लिया। चलो तो डी एक्स मानेंगे तो यहाँ पर एक बल काम करेगा ही। अब हम लोग जो जो काम किए हैं उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्या क्या आप किए हैं, क्या क्या किए हैं। तो आप कहेंगे कि हमने माना कि बिंदु ओ पर एक प्लस क्यू आवेश है, यह ओ बिंदु ओ पर क्या है? एक प्लस क्यू आवेश है, तथा प्लस क्यू कूलम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परिवर्तांक के है, परिवर्तांक क्या है? के है, और आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव में बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। चलो भाई, ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है ना, तो बिंदु ए है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ये ए पर वैद्युत विभव को क्या करना है? ज्ञात करना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और इसके लिए माना कि बिंदु ओ से एक्स मीटर की दूरी पर बिंदु ए के सिद्ध में एक बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू जीरो कूलम का धन आवेश रखा गया है। तो कूलम के नियम अनुसार हम लोग लिख लेंगे, तब आपका कहानी हो जाएगा संपन्न। क्या हम लोग लिखे, पहले लिख दे इसकी कहानी, लिख लीजिएगा कि माना कि ओ बिंदु पर, चलो आराम से पढ़ना, वो बीच में तनको बात मत करना, ठीक है ना, कहें कि हमने की पढ़ाई बहुत अहमियत रखता है। माना कि ओ बिंदु पर एक धन आवेश प्लस क्यू है, प्लस, समझ गए, एकदम ध्यान देते रहना, ओ पर क्या है? प्लस क्यू है। ओ से आर दूरी पर एक बिंदु का है ए, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु का है ए है, एक बिंदु ए है जिस पर हमें क्या निकालना है भाई? वैद्युत विभव निकालना है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है, किस पर ज्ञात करना है? तो ये ए वाला जो बिंदु है उस पर। अच्छा, ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु मान लो, अगर बी मान लेते हो तो बी मान लो, कह देना है ओ से एक्स दूरी पर बिंदु बी पर एक क्यू जीरो आवेश रखा गया, क्या लिखोगे कि बिंदु ओ से एक्स दूरी पर बिंदु बी पर, बिंदु बी पर क्या रख दिया गया है? क्यू जीरो आवेश है, क्यू जीरो आवेश। चलो एक कहानी हम लोग लिख लिए, समझ रहे बात को, ये कहानी हम लोग क्या कर लिए? लिख लिए। आप सुनो,
समझो ध्यान से का का किए हम लोग, ये किए कि हमने एक क्यू आवेश लिया और एक क्यू जीरो आवेश लिया। हालांकि क्यू और क्यू जीरो के बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, दिखा दिया हमने। एक बिंदु ए लिया और ओ से बिंदु ए की दूरी क्या है, आर है। आ इसी से हमको क्या करना है, इसी ए पर ही वैद्युत विभाग को निकालना, जो डाटा है उसको हमने लिख लिया। आपको याद होगा कूलाम का नियम, सब लोग को याद होगा कूलाम का नियम होता है, यह बराबर 1/4π ε0 क्यू क्यू जीरो बटा में, लेकिन आर ना लिखाई कहें कि क्यू और क्यू जीरो के बीच में क्या दूरी है, एक्स है। तो लिख लेते हैं हम लोग, लिख लो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, गुलाम के कहा आ जाएगा यह बराबर 1/4π ε0 इंटू क्यू क्यू जीरो बटा में एक्स स्क्वायर, यही ना होगा जी। अच्छा एक्स स्क्वायर हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्यू है और एक क्यू जीरो इसके बीच की दूरी कहाँ है, एक्स, ये रखा गया, तुमको दिक्कत ना होगी। अब आइए जानते हो ना, अब यहाँ से हम लोग क्यू जीरो के कारण किया गया कार्य लिख लेना, क्यू जीरो के कारण किया गया कार्य, क्यू जीरो का है पहले कार्य निकालेंगे ना, तो कार तो जानते बड़ा डब्ल्यू बराबर का वाला बल गुणे दूरी, बल गुणे लेकिन विपरीत मात्रा, इसीलिए माइनस डी एक्स लिखा गया। यहाँ से इसकी दूरी जो है बहुत कम है, डी एक्स आपको दिखाया गया, कब दूरी है जानो, चाहे विस्थापन डी एक्स दिखा देना भाई, कार्य के डब्ल्यू लिखना। तू जान तो कि बल के जगह पर है क्या दे आगे का छी 1/4π ε0 और गुण है क्यू क्यू जीरो बटा में एक्स स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स, ठीक। और सुना कहानी डब्ल्यू बराबर है ना, अब लिख लिया जैसे कि प्लस क्यू आवेश को अनंत से आर दूरी पर लाने तो डब्ल्यू वहीं रही भाई, पूरा बाहरी निकाल लेवे के क्यू क्यू जीरो बटा में 4π ε0 अब लगा लीजिए समाकलन, आ कहाँ से जाते हैं अनंत से आर दूरी पर लूँ, तो यह इन्फाइनिटी बना देवे क्या, या आर लिख लेवे, आ क्या बचल भाव 1/x² आ गुण में माइनस डी एक्स बचल, ठीक है ना, आ जाए क्यों तुम तो ध्यान रखना, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ठीक बा, डब्ल्यू जगह वहीं लिख देवे क्या, जगह डब्ल्यू वहीं लिख देना है, तो डब्ल्यू लिख लो बराबर भाई क्यू क्यू जीरो बटा में 4π ε0 बा वहीं लिखा गया, एक ऊपर कर देवे ठीक बा, तब समाकलन हो पाई, ऐसा आर इन्फाइनिटी वहीं रखा जा, एक ऊपर लेके जाए एक्स पर माइनस दू और माइनस डी एक्स बा, तो माइनस वह गाय कर लेवे सबसे बढ़िया, तो डब्ल्यू बाबू सुनो बाबू माइनस क्यू क्यू जीरो बटा में 4π ε0 कूड़ है, अच्छा है कि समाकलन करो, तो रूल का कहता है हमारा कि ये कह को जोड़ देवे के बस, आ जाएंगे आर इन्फाइनिटी वहीं लिखा, ठीक है, तो डबल बराबर हो जाएगा माइनस क्यू क्यू जीरो बटा में 4π ε0, अब ऊपरा ही घटा देवे तो एक्स के ऊपर माइनस से फिर माइनस से आर और इन्फाइनिटी हो जाए, तो डबल बराबर का हो गया माइनस डबल बराबर हो गया माइनस क्यू क्यू जीरो बटा में 4π ε0, अब एक नीचे अतक हाई माइनस हाई माइनस काट दो, आ जाने एक सुपर माइनस एक बार नीचे कर दो तो एक बटा बाबू एक आ जाएगा भाई, आर और इन्फाइनिटी वहीं रख लो, तो डब्ल्यू बराबर कहाँ गिर हम निकल गए भाई माइनस हट गिर बा क्यू क्यू जीरो बटा में 4π ε0, और सुनो आराम आराम से एक बार आर रखा जाओ एक से एक बटा आर माइनस एक बार इन्फाइनिटी रखा जाओ तो एक बटा इन्फाइनिटी, तो एक बटा इन्फाइनिटी का मान तो जीरो हो जाएगा, छोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ध्यान से डब्लू बराबर कहा गया क्यू क्यू जीरो बटा में 4π ε0 आर आ गया, क्यू क्यू जीरो बटा में 4π ε0 आर आ गया। अब सुनो इतना आ गया ना, अब लिख अभी तो हम लोगों को तो विभव बराबर सिद्ध करना है, आज अभी डब्लू बराबर अब लिखेंगे क्यू जीरो के कारण विभव, क्यू जीरो के कारण विभव तो क्या होता है भाई, वी बराबर डब्लू बट्टा क्यू जीरो, भाई वी वहीं रखो
अच्छा डब्लू भाई का आ गया पूरा मन भाई अला रखा जा क्यू क्यू जीरो बट्टा में फोर पाई एप्सिलॉन जीरो घूड़े यही में घूड़े नीचे वाला बनो जब नीचे बात है नीचे क्यू जीरो आर भी बनो तो आर लिख दो आ तब है जन बचल बा क्यू जीरो तो क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल अभी बराबर आ गए एक बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो और अलगे है क्यू और आर बात लिखा जा क्यू बटा आर ये हमने के सीट करेगा आंसर आ चुका है समझ रहे हो। यह हम लोग का है कि बिंदु आवेश के कारण जब भी वैद्युत विभव का सूत्र पूछेगा तो खटाखट इस तरीके से आपका लग जाएगा बना लोगे एकदम आराम से। पहले कूलाम के नियम से ले लिया जाए तो कूलाम के नियम से लेंगे तो इतना हो जाएगा फिर आप कार बराबर तो नोट करोगे आप तो मुँह जबानी याद हो जाना चाहिए आप चलो नोट करो जल्दी। तो वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र सब लोग सूत्र जानते होंगे क्या होता है भी बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो पी बट्टा आर पी बट्टा। तो अच्छी स्थिति का मतलब क्या हुआ अक्ष पर एक रेखा रहेगा उसके अक्ष पर लेंगे और तब आप सिद्ध कर देंगे एकदम आपको 10 मिनट में सिद्ध कर लेना है 10 मिनट के बाद आगे बढ़ जाना। सुनो पहले फिगर बनाओ क्या बनाओ फिगर जैंग आप वैद्युत क्षेत्र के लिए फिगर बनाए थे ना सेम टू सेम वही है इसके लिए भी बनेगा यहाँ पर प्लस क्यू यहाँ पर माइनस क्यू यहाँ पर ओ इसके पूरे बीच की दूरी 2L यहाँ पर L यहाँ पर L होगा ये आपका ए यार बतियाओगे तो क्या फ़ायदा होगा हमको पढ़ाने से हाँ एक तो ऐसे ही तुम लोग आ नहीं रहा है हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो तुम सीख नहीं रहे हो। चलो अभी बिंदु पी पर ही विभव आपको निकालना है। अच्छा आप अच्छी तरीके जानते होंगे कि ओ से इसके बीच की दूरी क्या होगी आर आर होगी तो यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी आर प्लस यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी आर माइनस बस हो गया काम खत्म। तो मैं तो डाटा बन कर माना कि दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं माइनस क्यू को लिख देना कितने किसके दूरी पर रखा गया है 2L के दूरी पर 2L के दूरी पर रखा गया है ये तो सब लोग जानते होंगे। अच्छा आलिगाना ओ से पी की दूरी आर है ओ से पी की दूरी आर है और पी पर वैद्युत विभव निकालना है पी पर वैद्युत विभव निकालना जितना डाटा था हमने लिख दिया कौन कहाँ है माइनस क्यू प्लस क्यू इसके बारे में आप देख देंगे ठीक है भेजिएगा ये तो चलो कोई बात नहीं होता। अब सुनो पहले हमने के प्लस क्यू के साथ प्लस क्यू के लिए वैद्युत विभव निकलवा के तब माइनस क्यू के लिए वैद्युत विभव सुनो प्लस क्यू के लिए वैद्युत विभव क्या होगा भाई वी वन बराबर वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आई इंटू क्यू बटा और दूरिया कितना बा क्यू से तो आर माइनस सी एल है ना तो आर माइनस सी एल लिखा दे आर माइनस आर माइनस क्यू के लिए वैद्युत विभव कितना होगा याद है ना वी टू बराबर वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो माइनस क्यू बटा आर प्लस या लगा सकता है ना बड़ा दिक्कत ना हो गई अरे यार माइनस की बात तो माइनस क्यू आर प्लस रखा एक बीच की दूरी आर प्लस एल बा तो आर प्लस लिखा ये तो एकदम समझ आप लिखाएगा कुल विभव भी बराबर का हो जाएगा भी वन प्लस भी टू तो भी वही ना भी वन का मनवा आ गए बा वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्या भाई यार भी वन का मनवा है क्या आ क्यू बटा आर माइनस यल आ प्लस वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो
इंटू माइनस क्यू बटा आर प्लस ये। चलो इतना हो गया। अब का करिए जैसे क्यू बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो कॉमन लिया तो एक बटा आर माइनस ये हाइट निकल गई हाइया निकल गई बा माइनस बचल आ एक बटा आर प्लस बचल। ठीक अब एक काम करें क्यू बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो प्लस लिया गया तो एगो में आर माइनस यल आ एगो में आर प्लस यल अब तीसरे ये गुना हो जाए एक गुना हो जाए तो आर प्लस यल आई माइनस लगा के एगो में आर माइनस यल बन कर दे। ठीक है तब भी बराबर क्यू बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो सुना कहानी हो हाई तो जेना वही लिखा जाए आर प्लस यल आ माइनस आर प्लस यल अरे आई माइनस आर से गुना कर माइनस आर आ माइनस आ माइनस प्लस यल आ नीचवा देखा ए माइनस बी आ ए प्लस बी याद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एजा आर से आर आपका कैंसिल तब ही बराबर का बचा क्यू बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो गुणे यल यल टू यल आए के मान बहुत छोटा होता है बाबू एल स्क्वायर का क्या कर देते हैं एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं खाली बचा आर स्क्वायर आ सुनो भी बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आई तो जानता रहा बचपने से कि पी बराबर होता है क्यू इंटू टू यल तक लिखा जाए पी बटा में आर स्क्वायर और इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर लिए बड़ा सिंपल था ये आपका आंसर आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल वैद्युत विभव निकालना अच्छी स्थिति में इस तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। देखो कभी भी अच्छे स्थिति में पूछेगा तो हम भी बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू बटा ये जो आर होता है उसको। चलो अभी दो डेरिवेशन सीध हुआ मिटाएं इसको तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव सूत्र का मान जीरो होता है कहा होता है जीरो लेकिन कहना जीरो आएगा ये तो बताना पड़ेगा ना। चलेगा बड़ा मजा आता है चित्र बनाने में ले लो प्लस की है ना माइनस की इधर प्लस की आ निरक्ष का मतलब है चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो माने आपको साइड में नहीं लेना नहीं तो अच्छी हो जाएगा। चलो ऊपर ले लेते हैं हम लोग पी आइए पी पर कहा निकाले के बाद वैद्युत विभव निकालना है ना एक बीच की दूरी हो आ तो जानते बोला एक बीच की दूरी टू यार आई एस ए के दूरी कितना आर ए बाबू हई आर बतेनो आ रहे हो आ कोण कितना थीटा अरे सुनो हाई कितना हो जाए यल हाई कितना हो जाए यल एक कोण कहल जाला ना काहे के 90 अंश कोण बा जितना इसका मान आएगा कोण का उतना इसका मान आएगा सेम टू सेम है यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना। ठीक है तो कहाँ निकाले पहले कोण का मान निकाले पड़े नहीं मन कहने का मतलब है कि पहले आपको यहाँ से इसकी दूरी कितना है यहाँ से इसकी ये निकालना पड़ेगा आ तब हेजा से के दूरी कितना भाई अगर हाई दूरी निकल जाता है के कमान तो ये तो सेमे है ना दोनों सेमे आ जाएगा आपका। ठीक है कुछ समझ में आया हमने कहा था कि आप एक माइनस क्यू ले लो प्लस क्यू ले लो इसका बीच की दूरी हमेशा ट्वेल्व दिखा दो और बीच में एक बिंदु वो मान लो जो उसमें दिखाए थे वो और प्लस क्यू के बीच की दूरी यल और इसका भी यल और वो से पी जहाँ पी पर वैद्युत विभव निकालना इसकी दूरी क्या होगी आर आई यल मान लो कोण बनता तो लंब हो जाए हाई का हो जाए आधार और सामने वाला कौन कहे कि 90 अंश के बाद कौन हो जाए तो का हो जाए पहले पाइथागोरस प्रमेय से ले पाइथागोरस प्रमेय से तो का होला वो कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। चलो तो हटा दो आप तब ये कलनी के अंदर एंट्री कर जाएगा अगर कलनी भी हटाना चाहते हो तो हटा दो तो कलनी से बाहर तो निकल जाएगा लेकिन एक ऊपर कितना आ जाए एक बटा दो ये तो कण का मान निकल गए क्या कर दी कणी में रहने दे चलो जो नहीं तो देखा जाए क्या करो मन कर तो ही रखो मन कर तो ठीक बा तो आ जाए कम नहीं क्या है पहले डाटा ही में लिखा जाए कि दो आवेश कौन कौन है माइनस क्यू और प्लस क्यू है और इसके बीच की दूरी क्या है ट्वेल्व है माइनस क्यू और प्लस क्यू है तथा इनके बीच की दूरी का है
टूगेदर, समझ में आया ना इतना। अच्छा, ओ से पी की दूरी क्या है, आर है, और पी पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना, लिख लो। ओ से पी की दूरी आर है और पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब हम जरा बताइए मुझे कि प्लस क्यू के कारण आवेश निकालेंगे ना तो क्या होगा, विभव निकालेंगे तो लिखिएगा प्लस क्यू के कारण विभव, तो क्या होगा, वी वन बराबर वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आई इंटू क्यू बटा, ये आर होता है, क्या होता है आर, लेकिन एक बीच की दूरी कितना है, आर है क्या है दबा कर्णी में लिखे, चलिए कर्णी में लिखिए तो कर्णी में आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, ठीक है, साथ ही कास थीटा भी आए, काय के जो थीटा कोण बनल हो। अब आ जा माइनस क्यू के कारण विभव, तब वी टू बराबर का आ जाएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आई इंटू क्यू बटा, का हो जाएगा ये तो उतने आई हो, लेकिन माइनस हुआ तो माइनस ही आ जाइए, तो कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा हो गया, कास का हो गया थीटा, तो माइनस लिखा दीजिए, कुल विभव लिख लगे क्या, कुल विभव वी बराबर वी वन प्लस वी टू हो गया, वी वन प्लस तब वी वन का मन है क्या बा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटा कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा प्लस, और वी टू का मन है इतना बा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू माइनस क्यू बटा कर्णी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा, सेम बा जाएगा तरह माइनस में मानो तो ऐसे ही पूरा कैंसिल, तो वी बराबर आ गया जीरो, तो निरक्षय स्थिति में विभव जो होगा कहाँ होगा, जीरो, मात्र दो लाइन का तो बोल नहीं, समझ रहे हो गया, सी निरक्षय स्थिति में बैठे विभव का मान कितना आ गया, जीरो हो गया, नोट नहीं। अब हम लोग सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं डेरिवेशन नंबर आज का चार नंबर, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र का निर्माण, पहले हम आपको बता देते हैं कि होता कहाँ है, आ जब सूत्र का निर्माण करेंगे तो यह होता है, ये होता है प्रैक्टिस बाबू, देखो जो हर चीज पर जितना ध्यान देंगे उतना तैयारी अच्छा, देखो अब एकदम अच्छा तैयारी होता जा रहा है, अभी नहीं कराएगा फिर कब टाइम मिले तो सीध करावल जाए, लेकिन अब है ना, अब एक दो महीना बाद तो कहेंगे इसमें कि अनंत से कहाँ से आवेश को उठा करके किसी बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है वही स्थिति ऊर्जा कहलाती है, कहे कि कार्य की मात्रा क्या होता है, जूल होता है, बुझाई लो, पकड़ा होने जाके कहीं आवेश पकड़ लो उठा के लेके आओ कहीं तक, तो तू उठा के लेके आओगे तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना, उठा के लेके आओ कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य क्या होता है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा होता है। अब इसका सूत्र देख ही रहे हैं कि इसको यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रा क्या होता है जू, सब आप लिखें डेरिवेशन, परिभाषा तो लिखेंगे नहीं केवल डेरिवेशन हम लोग सीधे, तो यू बराबर अब आपको सिद्ध करके दिखा देना है वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बटा में खाली आर होगा क्या स्क्वायर, गलती है, खाली आर होगा स्क्वायर नहीं, चलो तब तो आपको सिद्ध करके दिखाना है, तो सुनो कहानी क्या होगी, कहानी होगी पहले चित्र बनाएंगे, चित्र तो मेन है ना, आइए आइए हमने चित्र बनाया, हाई ए मान लो हाई बी मान लो, यहाँ पर एगो क्यू वन आवेश बा या क्यू जीरो बा, एक बीच की दूरी क्यू टू मानो तो क्यू टू मान लो, आ इसका बीच की दूरी आर मान लो, इसके बीच की दूरी क्या मान ली आर, तो एक कहानी के रूप में लिखना पड़ेगा कि हमारे पास दो आवेश हैं, माने एक माने निकाय है ए बी, ए बी ये क्या है निकाय है जो दो आवेशों से मिलकर बना है, कौन कौन
Q1 और Q2, इसके बीच की दूरी क्या है? हाँ चलो, माना कि एक निकाय AB है जिस पर दो आवेश Q1 तथा Q2 रखा गया है, जिनके बीच का दूरी का है जिनके बीच की दूरी आर है। चलो ये तो जान गए आप कि Q1 Q2 है जिनके बीच की दूरी आर है। आप सुनो, पहले समझ लो यार, हाई Q1 के कारण B पर विभव उत्पन्न होगा, Q1 के कारण B पर विभव उत्पन्न होगा। तो सुनो यहाँ पर लिखना Q1 के, Q1 का है बिंदु B पर विभव, का होता हो विभव के सूत्र है, विभव के सूत्र 1/4π0 into Q1 बटा R, ये तो R हो गई। अब कहानी सुनेगा, आप कहोगे Q2 जो है ना अनंत से उठा कर लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से उठा कर लेकर आ रहे हैं? तो जब तू अनंत से लेकर उठा कर लेके तो कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, तब कार्य निकालेंगे। अब यहाँ पर लिख लेना कि जब Q2 को अनंत से उठाकर बी पर लाने पर, बी तक लाने पर किया गया कार्य, किया गया तो पढ़ वाले डब्ल्यू बराबर क्या होगा भी गुण क्यू, तो या क्यू टू लिखा दे तो डब्ल्यू वही ना। अच्छा हाँ, भी बताई का भी का मनवा लिखाई हुआ, तो 1/4π0 और Q1 बटा आर और गुणे Q2 तो पहले ही से है, और यह डब्ल्यू स्थिति ऊर्जा कहलाता है ना, तो डब्ल्यू के जगह पर आप यू लिख सकते हैं, तब हो जाएगा 1/4π0 आई इंटू Q1 Q2 बटा में आर, यही बराबर सीध हो गया। ये सीध कर आज एकदम याद कर लेंगे कि वैद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र जब पूछा जाएगा तो आप कहाँ लिखेंगे, तो आप देख ही रहे हैं, यही आपको लिखना है। लाने में किया गया कार, बोलिए से उठाकर बी तक लाने पर दोनों एक अलग, जब Q2 को अनंत से उठाकर बी तक लाने पर है, ये Q2 बना है जा, ये अनंत से उठा के लिया के ये रखल बा, अनंत से उठा के लिया के रखल बा, अनंत से उठा के लिया के रखल बा। चलिए हो ना गई, देखो एक डेरिवेशन बहुत पॉपुलर है, बड़ा लड़का के सिद्ध करते हैं सब पकड़ पकड़ के, विभव परमार्थता और वैद्य क्षेत्र के तीव्रता में संबंध। अच्छा आपको याद है विभव परमार्थता यानी विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा वी से, डेल्टा आप वैद्य क्षेत्र के तीव्रता के ई से, बस हो गई कहानी खत्म। माने ई बराबर होता है माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स, ई बराबर क्या होता है माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स, माने हैया करना है आपको ई बराबर माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स, लेकिन ये आएगा कहाँ से आपको हम बताते हैं। अच्छा आप बहुत पहलवानी किए हैं आखड़ा में, तो जब आखड़ा पहलवानी किए तो आपको पहलवानी करने के लिए बल लगाना पड़ता है ना, हाँ तो जब आप बल लगाते हैं तो बल बराबर पढ़े ही होंगे आप लोग, हाँ क्या होता है बल बराबर, यह बराबर Q0 × E कहाँ से आ गया, अरे भाई आप पढ़े हैं ना ई बराबर क्या होता है बल या बटा Q0, इतना आ गया। चलो इतना छोड़ दो आप, चाहे एक मान के छोड़ दो, और डब्ल्यू बराबर पढ़े हैं ना, डब्ल्यू बराबर कार बराबर क्या होता है बल गुणे दूरी, दूरी को dx मान, बल गुणे लेकिन दूरी को माइनस में दिखाना, क्योंकि dx जब भी आता है तो माइनस में, dx जब भी आएगा तो माइनस में, बल गुणे दूरी होता है ना। अच्छा अब क्या करे के बाद, कुछ करे के नहीं करे, जहाँ बल बता है रख दो उठा के,
क्यू जीरो इंटू ई आई इंटू डी। अब और ही सुना कहानी का, और ही कहानी का हुई कि जहाँ डब्लू बता डब्लू लिखा लिखा गई, जहाँ डब्लू बता डब्लू आ हाई क्यू जीरो लिखल आ बराबर तला का भाई ई इंटू डी एक्स। अरे माइनस कहाँ रखा जाए, ये रखा जा ये जा रख दा माइनस ई इंटू का हो गए डी एक्स हो गए। अब तक आगे का करे कि क्यू जीरो के करा नीचे कर दो, अब तार कहानी हो गई खत्म। ठीक है हाँ ठीक बाहर करा कोई रखा गया डब्लू इंटू क्यू जीरो क्यू जीरो हो गई। एक और ही चीज़ बता दें आपको कि डब्लू के जगह पर कुछ आप पढ़े हो ना वी गुणा क्यू होता है ना, कुछ याद आ रहा है आपको? अरे आप पढ़े होंगे वी बराबर डब्लू बटा का होता है क्यू जीरो, या अगर तीसरा दे गुणा कर देते डब्लू बराबर वी इंटू क्यू जीरो, तो वी इंटू कितना आ गए क्यू जीरो आ गए किसके जगह पर डब्लू के जगह। ठीक है तो अच्छा इसको भी इधर कर दो, चला एक रखेंगे रखा तो डब्ल्यू इधर पहले क्या रखा जाए वी इंटू क्यू जीरो, वी इंटू क्यू जीरो बटा में क्यू जीरो है हाई लेकर आ जाए नीचे वहाँ, तो ये डेल्टा एक्स लिख दो डी एक्स के डेल्टा एक्स लिख सकते हैं ना हाई माइनस से लिख दो तो क्यू जीरो से क्यू जीरो कैंसिल आ गई, वह डेल्टा लगा के लिख दीजिए माइनस डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स बराबर ई सीधे बुझाई लो ना बुझाई ना बुझाई। अरे यार ये बराबर क्यू इंटू ई होता है ना, होता है तो पढ़े होंगे होता ही है आपको सूत्र ही पढ़े हाँ हाई डब्ल्यू बराबर एक और ही सूत्र है, माने सूत्र वाला लिखता चलना कि यह भी एक सूत्र है और यह भी एक सूत्र है बहुत सब कुछ नहीं किया गया। हाँ डब्ल्यू बराबर का आपके पास लिखा गया है ई इंटू डी एक्स, तो ई छोड़ दो डी एक्स भी नीचे कर सकते थे आप, अगर आपको यहाँ पर क्या कर रहा है कि गजन हो रहा है तो काम करो कि क्यू जीरो और डी एक्स भी नीचे कर दो, क्या कर दो डी एक्स भी नीचे कर दो हटा दो, आप लिख लिया तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगर नहीं लिखे हैं तो हटा दीजिए माने अकेले ही हो जाए ई बराबर जो सीध करेंगे और डब्लू के जब होला ना वो डेल्टा वी इंटू क्यू जीरो रखा दी डब्लू के ऐसे ही कैंसिल जन बच गए तो लिखा गए तो न बुझेल ई कल गए तो बाकी सब नहीं कर हो गया वैदिक भी भाव और वैदिक से तीव्रता में भी पूछे एक रखे तो कौन छोड़े वाला बात थोड़े भाई सब बच्चा बच्चा है कि जान कर सन सब लगा लिए सन ठीक बा चल के अब एक समान बाह्य वायु क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर किए गए कार्य का सूत्र, एक समान बाह्य वायु क्षेत्र में एक समान बाह्य वायु क्षेत्र में माने ई आपका वायु क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, चार बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, याद हुआ क्या बोले एक समान बाह्य वायु क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र। चले मिटाए अपना मन जसित कर रहे हैं तो चलिए अब आते हैं हम लोग पाँच नंबर पर छः नंबर पर, एक समान बाय वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में नीचे लिखा था द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र, कार्य का सूत्र लिखा गया सबका तो कार्य जानते हो ना, कार्य किसे प्रदर्शित करते हैं हाँ तो देखो एक सूत्र है ये होता है हम बता देते हैं आपको सूत्रवा जब सिद्ध करेंगे तो आई जाएगा डब्लू बराबर पी ई और वन माइनस कास थीटा, लेकिन ये आएगा कैसे आपको सिद्ध करके दिखाना, जब वैद्युत ध्रुव आएगा तो पी तो ऐसे ही रखेंगे पी का है वैद्युत क्षेत्र वैद्युत ध्रुव है ई आपका वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है और थीटा आपका का है कोण है खड़ा खट सिद्ध करते हैं तो मुश्किल हो रहा होगा देख लेना
ये कोई बात नहीं, एक बार आप पढ़ लीजिए इनकरा के तो पूरा नज़र में आपको चढ़वा देंगे, वो भुला नहीं पाएंगे। इसीलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको माने कहीं जाएँ तो नाम आपका खराब ना हो, समझ रहे हैं ना। कोई ना कहे कि स्कूल में पढ़ते थे तो इसे आपको कुछ नहीं आता था। हाँ, एक समान बाय वैद्य क्षेत्र को आता ना, तो बना लो जा हो वो बना लो, बना लो वैद्य क्षेत्र बना लो, बना गया। अच्छा तो सुना कहानी क्या होता है, कहानी इसमें ये होता है ना कि एक हमने के लगा लिया जा द्विध्रुव, तो जा प्लस क्यू आ जा माइनस क्यू, आ तू जानते हो कि एक बीच के दूरी के ट्वेल्व से आ एक लंबा दूरी है जैसे ले लिया जला तो ये हो जाना तार लड़का 90 डिग्री के आ जा बन जाला थीटा, क्या बन जाता है थीटा। चल इतना तो हो गया, अब एक के घुमावल जाइए ना भैया है द्विध्रुव है क्या है भैया है द्विध्रुव है ना, अब लगभग पर देखना घुमाओ घुमाओ मिट गया कहना के घुमाओ ऐसे चाहे ऐसे घुमाओ चाहे ऐसे घुमाओ, इसी को घुमाने में कितना कार्य करना है वही आपको सिद्ध करके दिखाना करे सिद्ध हो गया यार। अच्छा पहले देखो तुम लोग आराम से आप पढ़े होंगे टा बराबर टाऊ पी ई साइन थीटा, याद है आपको सूत्र। अच्छा चाहे तो डाटा में लिख लीजिए कभी लिखिएगा लिखिएगा यार मिट गिल का लिख देना कि माना कि एक समान जो आज नहीं आएगा वो पछताएगा हमेशा हमेशा खातिर एकदम हमको कब ना ढंग आज ना सीख लगता कहेंगे इतना टाइम कहाँ मिलेगा बार बार। माना कि एक समान वैद्य क्षेत्र ई है जिसमें क्या रखा गया, एक वैद्य द्विध्रुव रखा गया है ना, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है जिसका आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है। चलो भाई इतना तो लिखा गया और इनके बीच की दूरी 12 है। आप कुछ सीख गए होंगे कि ट्रेन का बोर्ड के पेपर में आ जाए तो आप लिख सकते हैं, ये मान लीजिए पाठ में 10-10 को आवता तो 80 हो जाए आठ पाठ में तो 80 कर दिया जी परसों कहा होगा टा बराबर लिखे काची पी ई साइन थीटा, अब सिद्ध भी कर चुके थे याद है जब टा बराबर हो गई अब पढ़ा वाले लेकिन कार बराबर का वाला बल गुणे दूरी या बल गुणे विस्थापन, तो मैंने ये टा लिखा ये टा गुणे डी थीटा मैंने क्या बल आघूर्ण कह लिया तनि और अच्छा से लिख लो बल आघूर्ण आगुण विस्थापन तब हम बोल कर तेज बोलते हैं कि आपको कान तक जाएगा मेरी आवाज विस्थापन है। डब्ल्यू वही लिख लिया हमारे बाबू है टा के जगह पर क्या लिखवा पी ई साइन थीटा आई इन टू डी थीटा। आ सुनो मान लो है लिख देना कि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, अब लिखना कि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य आ जाओ तो डब्ल्यू बराबर समाकलन लगा दीजिए हमारे बाबू ऐसा थीटा पर जीरो ऐसा थीटा आ जाएगा भाई पी ई आ पी ई के बहरी निकाला काहे के जरूरत है हमने चाहिए खाली डी थीटा बा तो थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा विस्थापन जब डी थीटा खेल। अच्छा आप क्या करोगे बाबू आई डब्ल्यू है ना आप बताओ तेन हेजा आई डब्ल्यू बराबर तू जानते बार पी ई हाई साइन थीटा का समाकलन क्या वाला हाँ कास थीटा हमारे इतना लड़का है इंटेलिजेंट भारत संगी हाँ जब समय आवला तो ना बोले ला सो ना 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 कास थीटा लिख लाई थीटा जीरो
और सुन ला कहानी है बाबू, ऐसा लिख दो डब्ल्यू बराबर पी ई, एक बार थीटा रखवा दे कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा जीरो। समाकलन साइन थीटा गेन होता है माइनस बना ला। चलो तो ऐसा माइनस को के ऐसा माइनस को आगे कॉल करके खुश वाल लोग इन। आप जानते हो क्या होगा यहाँ पर, लेकिन साम स्थिति में चित्र बना लियो, चित्र तो हटा दो बना लियो, तो ए वो ये खींच लिए दुगो दुगो लंबा दुगो गोल गोल बात करता हूँ। साम स्थिति में अरे गोल का मन दुगा वैसवा है ना, थीटा जीरो के जगह पर जीरो माने। साम स्थिति जब कहेगा ना तो जहाँ थीटा जीरो पर तहाँ कहाँ रखा जाए जीरो, पूरा जीरो हो जाए इसके मान नहीं थीटा जीरो पर जीरो ना, तो डब्ल्यू बराबर हो जाए माइनस पी ई आई कास थीटा यहाँ रखवा हो आई का जीरो रख लो कास का जीरो का मन याद बा भाई राकेश का जीरो का मन कितना होता है। हाँ आ तो नहीं काम किया है तू, एक काम करो आई माइनस पी ई आई कास थीटा है के एक हो गई। अब एक काम करे मैं माइनस वा से गुणा करता है प्लस हो जाए, तो पहले पी ई वही रही आई प्लस हो गई आई माइनस कास थीटा, तो हमने के लगे आंसर आ चुकल बा तो डब्ल्यू बराबर ये सिद्ध भले। बहुत बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक समान बाह्य वैद्य क्षेत्र में दीर्घ को घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र डब्ल्यू बराबर पी ई कास थीटा माइनस कास थीटा जीरो। अब जब पढ़ लो, जब स्कूल में पढ़ाया जाएगा था ये यही से स्कूल में पढ़ाना है, यही से स्कूल में आपको पढ़ाना है। आ जाइए वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत दीर्घ के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। अच्छा एक कहानी बताते हैं, अभी हम लोग कार्य बराबर सूत्र को सिद्ध किए थे याद है, तो वैद्युत दीर्घ के जब बात करी तो एकदम निश्चित बा कि दुग आवेश तो रही। जब वैद्युत दीर्घ के बात करी तो पहले चित्र बना के चित्र बात हो रही हमें मुआ कर गलबा, या लिखा जाओ क्यू जीरो या लिखा जाओ क्यू एक बीच की दूरी मान ला आर, या क्यू वन क्यू टू माना जो तरह इच्छा है ये मना जाओ मना गई अगर बीच की दूरी आर मत मानो ट्वेल्व मानो। तो एक चीज़ पढ़े हो तुम लोग याद करो एक चीज का चीज पी बराबर पढ़ पी बराबर कहा था नहीं तो पहले तो पहले इसमें लिख लेना कि माना कि दो आवेश क्यू तथा क्यू जीरो है, इनके बीच की दूरी क्या है ट्वेल्व और इनके बीच की दूरी ट्वेल्व। चलो तो लिखा गए, आओ तू हमको बता दो कि तू पढ़ लग कार बराबर का होला, कार बराबर कार गुणे दूरी भी होता है आवेश गुणे दूरी होता है, आवेश गुणे या बल गुणे दूरी याद बा। कार बराबर डब्ल्यू बराबर का होला बल गुणे दूरी होता है ना, तो दूरी तो ट्वेल्व होता है ट्वेल्व लिखा गया बल गुणे दूरी। आ वो मान लगे दूरी लगा तो कम है तो माइनस में लिखा दे जा आ पढ़ला पड़े आप बराबर क्यू इन टू ई, अरे यार पढ़े नहीं हो ये बराबर या पापा ने क्यू तो यह बराबर का हो जाए क्यू इन टू ई आई ट्वेल्व हो गया भाई एक जगह पर का लिख दबा माइनस आ जो कार कर जाए ना वह स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो माइनस पी ई हो जाए ना माइनस वो रही है मैं बाहर विपरीत कार में होता है इतना आगे। अब सुना कार बराबर अभी सिद्ध किए थे सिद्ध कर चुके हैं हम लोग यू है यू भी ना सिद्ध कर चुके हैं डब्ल्यू बराबर का ची पी ई वन माइनस कास्ट पी ई वन माइनस कास्ट तो अब कुल ऊर्जा निकाल लीजिए जैसे कुल माने ऊर्जा पूछे था ना कुल स्थिति ऊर्जा कुल स्थिति एमर जाए खाली घुमाने में ना एक जो स्थिति ऊर्जा निकल में यू का मान तवन और जो कार्य का मान बहत्तावन दोनों का हमने के लाहे लाहे जोड़ लेवे के बाद क्या करे के बाद जोड़ लेवे के बाद लाहे लाहे तो एगो तो यू आइल बा आई का आइल बा डब्लू आ यू का मान कितना आइल भाई का बा माइनस पी ई और डब्लू का मान कितना बा पी ई
वन माइनस कॉस थीटा। अब तू कहानी का करबो माइनस पी ई है कहीं में गुणा कर दे तो पी ई है कहीं में गुणा कर दे माइनस पी ई आ कॉस थीटा। चल आई गईलन एक दम पटरिए ना कि प्लस में रही हो दोनों मिलकर अपने में अपन काम तमाम कर लिए सर। तो माइनस पी ई कॉस थीटा आ गया। तो ऊर्जा ना भाई यू दिखा दिले यू टोटल लिख लेना है। चलो पी का है पी कुछ होगा का होगा वैल्यू दे रहे हो। ई का है थीटा का है चलो बात रहे तो आगे आगे बढ़े तुम कौन दिक्कत हो सतवा नंबर वाला चलिए लिखे कम नहीं तो भाई के सूत्र है का तो सूत्र है सब के दो घंटा ओकरा बाद से उठ के अरे कभी ये सूत के देखा लेकिन अच्छा एक बात बताओ मुझे अब तो धारिता की बात आ रही है भाई कैपेसिटर की कुछ याद आ रहा है आपको वैद्य धारिता को मतलब अगर पहले हम बताए तो नहीं हम बताए तो उस दिन काल नहीं परसों जैसे ही कुछ बच्चे निकाल दिए गए तो मैंने बताया था याद है आपको कुछ बच्चे निकल गए थे साइकिल वाले तो बिना साइकिल वाले निकल गए थे साइकिल वाले थे तो हम बताए थे कि किसी गोलीय चालक को अपनी ओर आवेश संचित करने की क्षमता को क्या कहते हैं वैद्य धारिता कहते हैं याद है आपको। कोई भी माने गोला है कोई गोला है उस गोला के ऊपर उस गोला को अपने ऊपर धन आवेश एकत्रित करने की जो क्षमता होती है उसी को वैद्य धारिता कहते हैं या सी बराबर क्यू बटा भी से बता सकते हो ये आवेश और विभव के अनुपात को क्या कहते हैं धारिता कहते हैं। आवेश क्यू और भी विभव इसके अनुपात को भी क्या कहते हैं धारिता। याद हुआ सबको क्या होगा धारिता अरे क्यू बाई भी 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 आवेश और विभव अनुपात को आवेश और विभव अनुपात को वैद्युत आइयो बोला जाता तो किसी गोला को अपनी ओर आवेश को संचित करने की क्षमता को भी वैद्युत धारिता कहते हैं। आपके पास एक है देखिए बिलगित गोलीय चालक के कारण वैद्युत धारिता का सूत्र। अच्छा मुझे बताओ गोला कह रहा है ना गोला तो गोला के चित्र बनाओ सब डेरिवेशन में चित्र बनाना है। चलो ये गोला है आ इसकी त्रिज्या का तुम आ ए मान लो आर मानना है तो आर मान लो ये मानना है तो ये मान ठीक है। तो बताओ यहाँ पर पहले लिख रहा कि माना कि एक गोला लिया गया जिसका जिसका त्रिज्या का है आर है तथा ए मना गया तो ये लिख लो तथा इस पर आवेश क्यू है आवेश चल है जा क्यू रख दो आवेश भाई जब गोला लिया है तो आवेश तो जरूर आएगा चाहे वो धन आवेश तब तो मालूम होगा चाहे कि जब त्रिज्या बा और जब क्यू बा तो कोनो ना कोनो विभव उत्पन्न होगा ना तो लेकिन आप विभव गोला पर उत्पन्न विभव का वाला हो अरे वन अपन फोर पाई एफ साइलम जीरो क्यू बट्टा आर आ गया ये बात ही लिखा गया। अच्छा अब यहाँ पर निकालना वैद्युत धारिता वैद्युत तो का वाला धारिता सी बराबर क्यू बटा क्यू बटा भी आ सुनत रहे हमारे बाबू क्यू वहीं रख अब भी के मनवाई भरा जा पूरा क्यू बटा फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ए आई क्यू से क्यू खड़े खड़े गई आई ऊपर चल गया तब फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू ए तो सी बराबर लिखा ये फोर पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू ए आगे सीध हो गया। हाँ कल का सीध कराया गया कहाँ अच्छा जहाँ लिख लेना जहाँ ये का है भाई ये का है गोला का त्रिज्या है ना गोला का त्रिज्या का भैल सी एक समानुपाती बता कता लगे नु एक मतलब जितना बढ़न गोला रही ओके धारिता उतना ही का होगा छोट गोला तो छोट त्रिज्या आ जब छोट त्रिज्या तो धारिता छोट समानुपाति का मतलब यही होता है कि जितना अधिक बड़ा गोला होगा एगो गोला ले लो एगो छोटका गोली एगो बड़का गोली तो कहना के धारता अधिक हो बड़का के अधिक
बड़का के अधिक, काहे की त्रिज्या का है अधिक है, बड़का के अधिक छोटका के कम। चलिए भाई ये सब आपके कहानी है, बड़ा धूमधाम से कहानी मना रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है, ताबतोड़ हम लोग हल कर रहे हैं नहीं। आइए अब हम लोग चलने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र। चल चले चले मिटाते इसको, नाले गल का ये यारे में भी तो 15-20 को बका दे रहे हैं। कुछ डेरिवेशन सिद्ध नहीं कराएगा, जो इस समय सिद्ध कराया जाना, आप उसको नोट कर लीजिएगा। 9 नंबर आई समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र। समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए सूत्र, ठीक है। तने बायोलॉजी कहाँ पे देना चाहते वक्त समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र मिटाया सा भाई। अच्छा देखो अभी सिद्ध करोगे ना तो क्या होता है, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, हाँ ये होता है बाबू। जब सिद्ध करोगे ना समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र, देखो लिखा गया सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, के का है के का के परावैद्युतांक है, नियतांक कह देवत हो जाए, नियतांक तो बहुत बड़ा लाखों करोड़ परावैद्युतांक, परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट जानते हो निर्वात की वैधशीलता, ए का है क्षेत्रफल और डी का है दूरी। तो आप संधारित्र पढ़े हो ना, संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं, दो प्लेट, एक धन प्लेट एक का है, ये आपको स्कूल में पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। चलिए ये संधारित्र है और का है ना एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट, और लिखा का है समांतर प्लेट संधारित्र, देखा हाई और ये दूसरे के समांतर है ना, आ इसके बीच की दूरी का है डी है, आ इसका वैध से तीव्रता का है ई है, का है ई है, ऐसा परिवर्तन जो भरा गया वो का है के है, आ इन दोनों का क्षेत्रफल जैसे लिया जा रहा है ना इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला जो है चाहे ये वाला लिया जा रहा है प्लस माइनस वाला, इनका क्षेत्रफल कितना है ई है। पहले लिख लो माना कि दो समान, इसको ये मान लो इसको भी मान लो, माना कि दो समांतर प्लेट ए और बी है, ए और बी है, और जिनके बीच की दूरी क्या है डी है, जिनके बीच की पहले समझ रहे तब लिखना, समझ रहे हो दूरी क्या है डी है, तथा क्षेत्रफल ए है, तथा वैद्युतीय तीव्रता का ई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी है, कोनो दिक्कत ना बाबा ना, कोनो दिक्कत ना। अच्छा आ जाओ बाबा, हम एक चीज़ आपको बताते हैं समझिएगा, आप पढ़े हैं ना प्लेट के कारण, कोई प्लेट होता है आपको याद करो मैंने सिद्ध कराया था प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप सिद्ध किए होगा सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा बटा खाली एप्सिलॉन नॉट लिखे होंगे, कल आप सिद्ध किए थे पहला पार्ट में, जब मैं परिवर्तांक मानू के वही सब के लिखा दे चले ही था सब कुछ जान गए। एक और ही सुना कहानी, अक्ल एक और ही बात बताए थे कि सिग्मा की जगह पर आप क्यू बटा ये लिख सकते हैं, होता है ना सिग्मा की जगह पर क्यू बटा जरूर लिखा पड़िए, ये ना लिखाई तो कामें ना चली, कहेंगे छतपल हमने के मल्ला बन गया, वैसे ही लिखा पड़ी, समझ में आया इतना। आप इसको समीकरण में काम मान लीजिए, एक मान लीजिए। अच्छा आप सुनिए एक और ही आप पढ़े होंगे ई बराबर वी बाई टी, कहाँ से आ गया बोलो, कहीं से आया, आया कहा, अभी हमने सीध भी किया था कि वैश्य के तीव्रता और वैद्युत विभव में विभव परिवर्तन में संबंध का सूत्र, तो ई बराबर डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स लिखे थे ना, तो अंतर क्या है जहाँ डेल्टा वी बताएं वी लिखा गया, जहाँ दूरिया डेल्टा एक्स बताएं डी लिखा गया।
अब तो छत्तीस गुना करो तो भी बराबर का हो जाए ए इंटू डी आई के मानो आई का है दबा मान हो तो रख देवे के क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट ए ऊपरा डी बा तो ए डी हो जाएगा तो क्यू डी बटा के एप्सिलॉन नॉट ए भी बराबर लेकिन हमें केकरा बराबर सीध करे के बाद सी बराबर न हो तो तू पढ़ला वाला ना सी बराबर क्यू बटा भी सी बराबर क्यू बटा भी ये भी एक सूत्र यूज कर रहे हैं तो सी बराबर क्यू का मानवा आए क्यू का मानो तो क्यू रख देवे के अभी का मानो आई पूरा रख देवे के क्यू डी बटा में के एप्सिलॉन नॉट ए आई क्यू से क्यू कर गए ना पलटोगे तो सबसे ऊपर चला जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पर डी। अच्छा अभी कहानी हमें जो तीन बतावे चाहता नहीं एगो प्रश्न आता है कि संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए तो जन कारक में लिखो सी समानुपाती के सी समानुपाती के आ के क्या है तेने हमको बताओ अभी लिखो मत समझो के क्या है माने जितना अधिक परावर्तांक रहेगा उतना अधिक धारिता रहेगा ना। आज देखो सी समान भाई तो छोड़ देगा मान फिक्स जन फिक्स होता है उसको छोड़ देते हैं जब उतना घटी ना बढ़ी तो क्या लिख रहा है जरूरत बा एप्सिलॉन नॉट का तो मान फिक्स होता है 8.85×10^-12 तो छोड़ दिया जाला जन ए हमने के ले लीजिए सी समानुपाती ए एक मतलब जितने चौड़ा हमने के प्लेट लिया जाए उसका क्षेत्रफल जितना अधिक रहेगा धारता का होगा आ सी व्युत्क्रमानुपाती डी दिखावता तो जितने दूरियाँ कम कर लिए धारता उतने अधिक हो व्युत्क्रमानुपाती यही नहीं होता कम करेंगे दूरी तो धारता का होगा अधिक होगा। चलो ये संधारित्र को प्रभावित करने वाला कारक यही मैं चाह रहा था कि आपको यहीं पर बता दें कई बार प्रश्न पूछा जाता है तो बच्चा लोग जो होता है सब लिख लेते हैं। चलो ठीक है नोट करो तो क्या कहा गया कि समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र जब उनके बीच में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ क्या गया हो भरा गया हो उसके आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा गया चला गया सिद्ध हो जाओ। आइए देखिए हमारे पास दो गो मान जब समांतर प्लेट कहे थे बना लेवे के दो गो मान ले वो का मना ये मना जाओ ए हो गई बी हो गई। अब सुने के कहानी एक बीच की दूरी डी हो गया इसका क्षेत्रफल तो जानते वाले ये मना जाए चाहे जौन भी होगा वो आपको मानना होगा मान सकते हैं इसको चाहो तो आप पृथ्वी से जोड़ सकते हैं मत जोड़िए जौन इच्छा हो आपको लेकिन ए में आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरना पड़ेगा। चलो भर दिए इसमें ये भर रहे हैं बाबू देख लेना आंशिक रूप से आप ही जगह डिजाइन बनाते हैं बना लीजिएगा कोई डिजाइन बना लीजिएगा। हाँ एक जन मोटाई बना मोटाई टी बना दी एक मोटाई कितना मान लिया टी मान लिया इसके मोटाई टी मान ली किसके मोटाई क्या कर रहा है भाई पढ़ाई वढ़ाई हो रही है ना मोबाइल नहीं चला रहा है ठीक है आप माना कि दो प्लेट कौन कौन है ए और बी है ए और बी है और सुन लो जिसका लिख लेना जिसका परावैद्युतांक के है क्या है भाई के है तथा क्षेत्रफल ए ए तथा इनके बीच की दूरी डी है इनके बीच की दूरी डी है तथा इनके बीच टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा है परावैद्युत पदार्थ भरा है। चलो पूरा डाटा था डाटा को लिख लिया लिख लिखना जल्दी जल्दी हो गया आप सिद्ध करें। चलो लेकिन एक बार निर्वात में ई बराबर सिग्मा बटा जब के ना लिखा है कहेंगे निर्वात में लिया जाए तो के का मान एक हो जाता है। आपसे प्रश्न कई बार बनता है कि निर्वात में वैद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता परावैद्युतांक होता है उसका मान कितना होता है तो एक
या तो ई नाट लिख लो निर्वात करते तब ये के एप्सिलॉन नॉट ए होला ना तो खाली एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ठीक है अब लिखना माध्यम में तो माध्यम में ही बराबर का आ जाएगा सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट ए के एप्सिलॉन नॉट ए। अब सुने कहानी यहाँ पर लिखना कुल विभव अब भाई के जगह कहानी पलटा था भी बराबर हर जन खलिका जगह एक खाते विभव लिखाई खलिका जन अच्छा पढ़े अनु भी बराबर का होता है तो आपको ट्रिक बता दे भी बराबर ए इंटू डी पढ़े हैं कहीं है नहीं पढ़े हैं बता दे कहा अरे ई बराबर होता है ना भी वाई डी अच्छा गुना करेंगे तो भी बराबर इंटू डी आ गया तो ये तो ई रही देखा पहले कहने कहने खाते भी बराबर बता देता नहीं लिखा जाइ खाली स्थान का विभव प्लस टी मोटाई वाले का विभव चलो खाली स्थान का विभव जन खलिका स्थान वाने तुम क्या विभव आज हम मोटाइया भाव का विभव तो तू पढ़ला वाला भी बराबर ई इंटू डी होला ना लेकिन खाली के जगह पर का लिखा है बताओ दूरी का लिखा है डी माइनस टी लिखाएगा ना डी माइनस टी लिखाएगा ना तू बताओ पूरा दूरी टी बा अब मोटाइयों में टी हो गई ताकि उतना चौकैया घटल लूँ तो वैसे घटाओ लो मान लो कि तू दिमाग लगाओ हेजा माने बेंच लगाओ बाहुजा बेंच लगाओ पीछे आ बिछुआ में इतना दस को बेंच लग गई आगे पूरा दूरी दस मीटर बा ताकि क्या ना हो दस में से पूरा बेंच घटा गई ना तब जो बचा है इतना आएगा तो वही नहीं भाई प्लस आ गया प्लस हाई ई रही लेकिन एक जगह पर का लिखाई टी लिखाई का लिखा जाए टी अब सुना लेकिन लेकिन एक जगह ये आप जानते रहना खलिका जगह का मतलब हवा हवा में कुछ भरल नहीं कहते ई जीरो लिखा जाए का लिखा जाए ई जीरो चला कहता भी बराबर ई जीरो का मान तो निकल रहा बड़ा ना क्या बा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट ए हाई टी माइनस टी वही लिखाई प्लस हाई ई वाला तो निकल रहा बड़ा सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए कुछ कॉमन ले सके जाला का है इनमें से कहो ना होला यार ई गुना टी होला जब निकाल तर या टी मोटाई वाला ई गुना टी होला तक दूरी आई का टी है ना हाँ प्लेट खाती दूरी का टी है ना जी तो वही टी लिखा दिया नहीं सुन भाई चलो तो आप का के लिए में का काम ले लो सिग्मा ले लो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए तो का बची हो अरे ये बची डी माइनस टी भैया एक बटा के रह दो टी कहाँ गया इसमें कौन टी सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट ए अच्छा टी वाला कहाँ कह रही है तो रख रख लो टी बटा के बची ना खुश वाले ना आप का